शिट यार, ये पहले सबसे पहले ये बोलना चाहिए। तो क्या लगता है पिक्चर का क्या होगा? और कोई है नहीं ना, आप कोई बड़ा स्टार है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यस यस, हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। थैंक यू। हेलो, ओए लखनीत, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स। उम्मीद है आपको कल का व्लॉग बहुत अच्छा लगा ना, आज वाला तो उससे ज्यादा अच्छा लगेगा, देखना आप। चलो चलते हैं पहले ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि दो दिन से ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा था तो बहुत ज्यादा क्रेविंग हो जाती है फिर, और फिर कुछ भी करने का मन नहीं लगता, इतनी वीकनेस आ जाती है। हाय नीतू, कहा है तेरी सहेली? कहा है? मेरी सहेलियाँ सो रही हैं अभी। क्या तू वाटरमेलन जूस पीते? नहीं तो कुछ नहीं होता इसमें यार, इससे अच्छा कम से कम ये पी दे मिल्क शेक, ये तो पूरा पानी होता है, शुगर होती है और प्योर होता है। अच्छा भाई, कल से तेरे साथ यही करूंगा जो आज किया। आज सही कह रहे, कुछ छोड़ के आ गया मैं यार तेरे चक्कर में, दो दिन ब्रेकफास्ट नहीं किया और आज भी तो सो रहा था। अब कैसे उठ के आया? गाइस देखो, दीदी बीमार है, बहुत बीमार। कैसे है तो बता। अरे यार इनसे आपको क्या हो गया? सुन दीदी, आपको क्या हो गया यार? अच्छा है, इसे कोविड हो गया मुझे लग रहा है। सच में यार इसे कोविड हो गया, अब इसके हाइट और छोटी हो जाएगी कोविड में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही है कि हम दो दिन के लिए यहाँ पर आए थे। मैं तो कपड़े भी नहीं लेकर आया, मैं इनका कोई भी नहीं लेकर आया था अपने, और हमारे कपड़े वगैरह सब खत्म हो गए, मतलब यूज हो गए ना सारे। यहाँ आज मैंने लॉन्ड्री के लिए दिए, लेकिन तीन दिन बाद आएंगे। तो आज हम लोग सब जा रहे हैं सबसे पहले शॉपिंग करने, उसके बाद चलते हैं क्योंकि आज मेरा शूट है एक और यहाँ। नीतू, ए नीतू देखो कपड़ों की कितनी कमी है, अंदाजा लगा लो आप। ये मैंने एयरपोर्ट के लिए लिया था घर से, और यही पहनना पड़ रहा है। ये दोनों कहाँ रह गए यार? हमने ले लिया है ऑटो, यहाँ पर ऑटो बड़ा ठुक ठुक चलता है इसलिए। ये तो हम सूरज को फॉलो करते रहेंगे, उसने मैप लगाया हुआ है, ठीक है? ओके कम, चलो चलिए अंकल। एक स्यापा हो गया है, हम जा रहे थे लेकिन अब नहीं जा रहे। अब नहीं जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में जाएंगे। मगर इनका कॉल आ गया है कि उनको आज ही हमारे साथ कोलैबोरेट करना है किसी सोशल अवेयरनेस को लेके, तो हम पहले जा रहे हैं होटल, वहाँ से चेंज करेगी नीतू। मेरी ये ड्रेस बहुत ही बेकार है, शूट पर मैं पता ये ड्रेस में भी जाती, मगर मैंने मेकअप ही नहीं किया। मैंने मेकअप करने में टाइम मत लगेगा, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मैं जाऊंगी मेकअप करूंगी, लखन कह रहा है कि मेकअप कर ले, तुम्हें लग रही हो ना, मगर कैमरे में प्यारी नहीं आऊंगी। अच्छी लगेगी, देख कैमरे में कितनी सुंदर लग रही है। स्किन इतनी ग्लो क्यों कर रही है लखन? मुंबई आते देख ले, मेरे साथ रह के। मगर पता मुंबई आते मुझे पिंपल हो गए, क्योंकि मैंने ना पानी नहीं पिया इसलिए। वेलकम बैक, सोचा नहीं था जल्दी आना पड़ेगा, मिल गई की एक ही लिए, एक ही लिए। तुझे भी चेंज करना है क्या? चलो अच्छा वो तो टाइम से तैयार हो गई। और नीतू बैग अपना क्यों पकड़ाती है मेरे को यार? मैं कैसा लगता हूँ लेडीज बैग पकड़ के यार? सूरज मैं अच्छा लग रहा हूँ लेडीज बैग पकड़ के अभी? अब तो आदत सी आ गई। आदत तो बेटा तेरे को भी होगी, देखियो ये है आफ्टर मेकअप। ओह शिट, अब कुछ भूल गई क्या दोबारा? आईब्रोज बनाना भूल गई। अरे बनी हुई आईब्रोज यार। नहीं यार, फाइनली पहुंच गए अपनी जगह पर हम। सूरज पता नहीं कहाँ रह गया। चलिए तू जल्दी से आ जाना, लेट हो रहे थोड़ा। क्या हो गया अब? नेल ब्रेक हो गया, कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ हम बहुत ज्यादा लेट ना हो गए हो, कि हमसे जितना जल्दी हो हमने वो किया, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है थोड़ा लेट हो गया यार। एक बात है वैसे, कपड़े किसी के पास कम हो ज्यादा हो, मेरी बहन एकदम टिप टॉप बन के घूम रही है। तेरे को पहले से अंदाजा था क्या ऐसी? नहीं मुझे लगता है ऐसे ही रहा। मैं इधर देख रहा था, लिफ्ट का बटन नहीं है, वो साइड में लगा हुआ है। मुझे लगा लिफ्ट कहाँ से लानी है, पता नहीं। गुड आइडिया, लिफ्ट के अंदर ही इन्होंने प्यूरीफायर रख दिया। प्यूरीफायर है क्या ये? फ्रेग्रेंस वाले ने तो तब भी बदबू आ रही है। वाओ ग्रेट, हम आए मैड ऑफिस, और इधर मैड स्टूडियो पहली बार आया हूँ सर मैं, पिछले वाले में तो आया था। नहीं तो इधर भी लग गई सर, अब इसी की वजह से लेट हुए हम। मैड स्टूडियो एंड मैड वाइब्स ओनली। वाओ तो जनक भाई आया नहीं? अरे मस्त, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। ये है ना, हाय, 5000 रियल बन चुके मिनिमम। तो ये है हमारा ग्रीन रूम सर। ग्रीन रूम वैसे मैंने जितने मोस्टली देखे हैं ना, वो बहुत छोटे से होते हैं, उस हिसाब से स्पेस बहुत अच्छी है यहाँ पे। हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट सोचना है, और लखन को देखो, म्यूजिक नो म्यूजिक एक कला है। अरे एक मिनट, आपने कोई मूवी करी है क्या तमिल वाली? अरे हाँ, वो अंडकोडा। अंडकोडा में मैं ही था किंग नंबर वन। हाँ उसमें भी मैं ही था। गाइस आप सबकी डिमांड पर ये मैंने बंदूक डांस। बंदूक डांस क्या होता है पता है? यहाँ पर कंटेंट रेडी हो रहा है। हाय सूचना जनहित में जारी है,
इसी के लिए मुझे देखो मेरी मेरी आवाज से इंप्रेस हो गए, मेरे को दिया गया कि मैं गाना गाऊं सबको एंटरटेन करूं। नहीं नहीं किसी ने नहीं दिया, शट अप। तो कोई एंटरटेन नहीं होगा। मैं गाना अच्छा नहीं गाता। और नीतू कैसा गाती है? नीतू दीदी इज द बेस्ट। नीतू अच्छा फ्रेंड्स, हमारा अभी एक वीडियो शूट होने वाला है, आप प्लीज वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताना कि जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं वो आप लोगों तक पहुंचा या नहीं, और अगर पहुंचा तो कैसा लगा मैसेज। शिट यार, ये पहले ये बोलना चाहिए। नहीं ब्लॉग ही पूरा गैलरी में कुछ होता ही नहीं। हम हंस हंस के पागल हो गए थे सब, बहुत फनी है। ये सब नेचुरल रिएक्शन मैंने सडनली लिया क्योंकि बहुत सारे शॉट्स मैं मिस कर चुका था। हाँ, हाँ, मतलब मेरे जो साथ में थी वो बंदी जमीन पर थी। हाँ सीरियसली वो पानी वाले सीन पर और पंचीज ऐसा था, वो ऐसे लगा जबरदस्ती की पंचीज डाल रही थी, जैसे आजकल हो रहा है ना मीम्स घुसाते हैं बिना बात के। तो एज अ व्यूअर तो क्या लगता है पिक्चर का क्या होगा? बहुत बड़ी हिट जाएगी, बहुत बड़ी बिग हिट। या अच्छा हिट जाएगा तो मैं आप सबको बता दूंगा नुसरत जंग की तरफ से हम सबको पार्टी है। आपने बोला डन 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 क्योंकि पहले लोग हैं जिन्होंने फिल्म देखी और मुझे मिले हैं, सो दिस इज माय फर्स्ट ऑडियंस गाइस। और मैंने पिक्चर नहीं देखी है, लेट मी जस्ट टेल यू दैट मैं ऑडियंस के साथ ही देखती हूं, मेरी हर पिक्चर में रिलीज पहले नहीं देखती। थैंक यू फॉर दिस यार, फीडबैक वेलकम। यू आपने अपने को इतना अच्छा लाइक बहुत एक्साइटेड। सो हमारा शूट हो गया है डन। यहाँ पर एक एक और करना है, प्लीज लखन। अब हमें चेक करना है कि वो ठीक आया भी है या नहीं। सूरज और यशी भी बिल्कुल रेडी है शूट के लिए। अमेजिंग चीज है कि अभी तक नुसरत मैम ने अपना अपना मूवी खुद ही नहीं देखा। हाँ। और हम उनके फर्स्ट टाइम रिव्यूअर थे एक तरीके से, फर्स्ट खुश होंगे सेट ऑफ ऑडियंस है। और सच में मतलब ऐसा नहीं कि हम सामने उनके बोल रहे हैं, मूवी बहुत अमेजिंग थी। आप लोग जब दाओगे आप खुद ही बता दोगे हमें देख के। ओके सो हम अपना ये प्रॉप लेकर आ गए, इससे हम लोग करेंगे क्या करने वाले हैं? सूचना जनहित में जा रही है। तो उसके बाद क्या है कुछ? अरे यार मैं भाई स्टैटिक बोल रहा हूं। ओके तो अभी तक कुछ पता नहीं क्या करने वाले हैं, बस यही बोलने वाले हैं सूचना जनहित में जा रही है। ये बताएंगे, बताओ क्या बोलने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं? सूचना जनहित में जा रही है। इसके आगे पीछे तो कुछ होगा, मूवी सब देखेंगे, सब देखेंगे। अभी तो रिव्यू आना बाकी है। इस फिल्म का जो मैंने पहले बोला था पूरी टीम को कि वर्ड ऑफ माउथ से जो पिक होगी ना वो ही, और कोई है ही ना, ना आप कोई बड़ा स्टार है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली वही चीज तो जो हम लोग ने निकलते पहले बोला था कि जो हंगामा हेरा फेरी वाली जो हम चीजें मिस कर रहे थे ना वो अब हमें देखने को मिली। मूवी में हर एक मोमेंट ऐसा जिससे आप रिलेट कर सकते हो, यू नो योर स्पाउस। और छोटी छतरी ने इतने इतने कॉमेडी सीन्स क्रिएट कर दिए ना। और दूसरी चीज जो लोग झिझकेंगे ना ये टॉपिक देख के, एटलीस्ट अगर वो नहीं भी बोलेंगे तो छोटा छतरी से फेमस होने वाला है वो छोटा छतरी, तो ये बिजनेस आइडिया भाई। तो एक्साइटमेंट लेवल अब अच्छा हो गया। और जो वो था ये टीजिंग वाला है, खैर मैं करता नहीं हूँ लेकिन एक अच्छा मैसेज था। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना कमेंट्स में। मूवी में तो आपको और चीजें जानने को मिलेगी, तो मूवी देखना मत भूलना, 10th जून को आ रही है। और क्या, जल्दी से मूवी देखो, इसको हिट कर दो यार ताकि सक्सेस ये अपने आप हिट हो जानी है। हाय 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 हा
आई गेस आप ही लोग हीरो हैं। मुझे तो काम करने के लिए बुलाया जाता है सेट। यस यस। हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। थैंक यू। हेलो। मी कैनी को लेके छोड़ेगा। मी कैनी गर्लफ्रेंड। भाई इसके लिए दूसरी मूवी बनाना। तो अब हम कर रहे हैं कोई दूसरा शूट सर के साथ। अरे ममता काका फ्राइडे को मेरी फिल्म का टिकट 100 रुपए। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, 100 रुपए में क्या मिलता है? 100 रुपए में क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्या मिलता है? 100 रुपए में क्या मिलता है? बेटा मैं मिलूंगा 10 तारीख को फ्राइडे जाने के लिए। ये क्या किया इसने? ये बता, इतना चालू है इसने पावर बैंक यूज किया, पावर बैंक का ऐसे छोड़ दिया। नहीं इसको लगा किसी और का है। अपना तो अपना छोड़ गया है, मेरा यहाँ छोड़ देगा, फिर दोनों ऐसे घूमेंगे। हमारा यहाँ से डन हो गया था, मगर सर ने बोला कि हमारे साथ कुछ शूट करें, है ना? शूट कैमरे पे पूछ रहा हूं। नहीं हम बोला, हमने बोला वो बहुत चला के। सब कुछ कंटेंट है, सब कुछ पर अपने को अर्जेंटली वहाँ से आना पड़ा क्योंकि नीतू का एक शूट है पॉन्ड्स का, एक एडवर्टाइजमेंट, तो उसके लिए अपने को जल्दी से आना पड़ा। चले नीतू, हमको यहाँ पर जल्दी आना पड़ा क्योंकि सूरज की हो गई थी तबीयत खराब, उसके लिए हम दवाई लेकर आए हैं। चलो चलते हैं अंदर। सो कैसे रहा टेढ़ी गर्दन करके भाई मेरे? चैंपियन 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 तबीयत ठीक है अभी? फिर आंखें भी लाल हो रही हैं, इसको ज्यादा तेज हो रहा है ना फीवर, पसीनों हो रहा पूरा। यशी इसको दवाई दे रही है, जिम लेकर आए। सब खाया क्यों नहीं खाया? और ये ब्लॉग आपने देख लिया आज का, और पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। ये ब्लॉग खत्म से ये ब्लॉग खत्म हो रहा है तब तू मुझे लेकर एंडिंग है हमारी। हे भगवान, ऐसे कैसे करियर चलेगा मेरा? भाई मैं स्पीचलेस हूँ, हमारे भाई बहुत ह्यूमरस है और बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत मजा आया। देखा ये तरीका अपनी तारीफ कराने का, बोलना पड़ा इसको मजबूरी में, इसलिए जाएगा नहीं, बोलो जल्दी। तो गाइस फाइनली वी आर बैक इन होटल, और अब इस ब्लॉग को करता हूँ एंड। हाँ, पहले ब्लॉग एंड करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि वो जो आपने वीडियो देखी जिसमें मैंने आपसे पूछा कि उसका मतलब क्या था, वो ये था कि मैं नीतू को डरा रहा था, जो ईव टीजिंग होती है उसके ऊपर थी वो, और उसमें ये मैसेज था जो नुसरत ने नीतू को दिया, वो ये कि कभी भी ऐसे में डरना नहीं चाहिए, अपने लिए स्टैंड लो और आंखें दिखाओ, मतलब कोई लड़का अगर आपको गंदी नजरों से देख रहा है तो उसको बताओ कि वो ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा तो मिलता है कल नए ब्लॉग के साथ, बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय।